हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो है और फिजिक्स में हमारी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज थी जिसको मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूं। तो इसमें क्या था कि बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए फिजिक्स के 100 अति महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स वाली ये सीरीज थी जिसमें मैंने एक भाग अपलोड कर दिया था और उसका सॉल्यूशन भी दे दिया था। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसका यानी कि बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए फिजिक्स के 100 अति महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स की जो सीरीज है उसके पार्ट दो का सॉल्यूशन करेंगे। ओके, चलिए तो इसका स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, एक एक करके क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे, उनका स्क्रीनशॉट ले लेना। सॉल्यूशन मैं यहाँ पर कराऊंगा जिस तरीके से मैंने पहले भाग में कराया था, राइट। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें 11वां क्वेश्चन, यानी कि क्योंकि 10 तक तो हमने पहले भाग में करा दिए थे, तो 11 से स्टार्ट करेंगे 20 तक। तो 11वां प्रश्न है, एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 10^-12 जूल है। यह सोने के नाभिक जिसका जेड बराबर दे रखा है 79 से प्रतिक्षेप प्रतिकीर्णन करता है। अल्फा कण की नाभिक से निकटतम दूरी ज्ञात करो। ओवरऑल बात यह है कि जिस तरीके से देखिए, एक नाभिक है, ये सोने का नाभिक है और इससे विकिरण, अल्पाकर्ण विकिरण हमने कल कराया था जब हम उसका करा रहे थे कि अल्पाकर्ण विकिरण क्या होता है, कि जब सोने के नाभिक पर यानी सोने की बारीक पत्ती पर अल्फा किरणों की बौछार करते हैं तो कुछ किरणें इससे टकराती हैं और टकराने के बाद इधर ऐसे करके विक्षेपित हो जाती हैं, अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती हैं। तो यही है, यहाँ पर मान लीजिए अल्पाकर्ण है तो आपको ये चीज बतानी है कि इस नाभिक से यानी कि स्वर्ण यानी कि ये सोने का नाभिक है, सोने का नाभिक, और इससे ये कितनी दूर चला गया है, इसकी आपको दूरी चाहिए। केवल इस नाभिक से इसकी दूरी बतानी है कि ये निकटतम दूरी है कितनी। तो इसमें दिया क्या है आपको कि आपको दे रखा है एक सोने का नाभिक दिया है, मतलब क्या है, पहले तो इसकी ऊर्जा दे रखी है, गतिज ऊर्जा। तो इसकी गतिज ऊर्जा यानी कि के कितनी दे रखी है आपका, गतिज ऊर्जा इसकी दे रखी है 10^-12 है, 10^-12 है जूल, ये दे रखी है। चलो इसको मिटा दे रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। गतिज ऊर्जा दे रखी है, याद रखना जब भी कभी विकिरणन की बात करी जाए तो वहां पर गतिज ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है, क्योंकि ये उससे नाभिक से टकराने के बाद, जैसे कि हमारे पास नाभिक है उससे एक अल्फा कण टकराया फिर ऐसे निकल गया, तो ये टकराने के बाद उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, तो उसकी वो क्या बन जाती है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर रहती है। ये हम एक डेरिवेशन करते हैं कि नाभिक से टकराने के बाद कोई भी कण उससे प्रक्षेपित हो जाता है यानी कि विकिरणन करता है। विकिरणन मतलब क्या, नाभिक से टकराने के बाद दूर चला जाता है तो उसकी जो गति ऊर्जा होगी वही स्थिति ऊर्जा के बराबर रहती है। तो मतलब ये के बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं U = 10^-12 जूल, ये इसकी क्या बन जाएगी, स्थिति ऊर्जा। U क्या होती है, स्थिति ऊर्जा होती है, राइट। तो ये आप इस ऐसे लिख सकते हो, इसको क्लियर होगी यहां तक। चलिए, यहां के बाद में आपका दूसरा क्या दे रखा है, सोने का नाभिक दे रखा है। तो सोने का नाभिक यानी सोने के नाभिक के लिए, सोने के नाभिक के लिए जेड बराबर, जेड का मतलब क्या है, परमाणु क्रमांक ये है उसका, परमाणु क्रमांक दे रखा है। सोने के नाभिक का परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है, 79 दे रखा है। तो भाई इस पर आवेश कितना हो जाएगा, तो सोने के नाभिक पर आवेश, ध्यान से समझना जरा कि भाई सोने का जो नाभिक है उसका क्रमांक कितना है, 79 है, उसका क्रमांक है 79। तो कोई चीज है जैसे कि हमारा मान लीजिए कोई भी ये कोई तत्व है, एलिमेंट है जिसका क्रमांक मैंने दिया 79, तो इसका मतलब यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है, 79 है, इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 79 है और इसका क्रमांक भी 79 है, यानी तीनों चीजें बराबर रहती हैं। उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें उतना ही उसका क्रमांक होता है। तो मतलब ये इसका क्रमांक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इतनी होगी, राइट। जब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी है और हम इसमें आवेश निकाल रहे हैं, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6×10^-19 कूलाम, तो 79 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश हो जाएगा, इस पर लिख देंगे 79 E, यानी कि कितना
इसमें कितना एक इलेक्ट्रॉन पर होता है इतना आवेश, यानी इसको लिख देंगे हम 79 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये इस पर आवेश बन जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे Q1 मान लिया मैंने। एक अल्फा कण की बात कही है इस सवाल में, कौन की कौन चल रहा है इसमें, अल्फा कण, तो भैया अल्फा कण पर आवेश निकाल देंगे, अल्फा कण पर आवेश, तो वो मैं Q2 मान ले रहा हूं। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का 2 गुना आवेश होता है। अल्फा कण सवाल में कहा है ना कि सोने का नाभिक है और उससे एक अल्फा कण ऐसे दूर चला जाता है विकिरणन करके, यानी कि उससे विक्षेपित होकर, विक्षेपित में टकरा कर दूर चला जाता है, तो इसकी न्यूनतम दूरी चाहिए, तो यह है यहां पर अल्फा कण, तो यह है सोने का नाभिक जिसका जेड बराबर है 79। तो भैया अल्फा कण पर जो आवेश होता है उसको मैंने Q2 मान लिया, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसका 2 गुना, और सोने पर नाभिक यानी सोने के नाभिक के लिए परमाणु क्रमांक 79 दे रखा है, तो सोने के नाभिक पर आवेश कितना हो जाएगा, 79 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम, तो ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, दोनों आवेश समझ में आ गए, और ये किसकी गति ऊर्जा दे रखी है, यानी कि इसकी स्थिति ऊर्जा दे रखी है इतनी। अब पूछा क्या है आपसे, आर आपसे पूछा है, निकटतम दूरी आपसे पूछी है, ओके बस, तो भाई यही चीज है यहाँ पर, जो भी चीज दे रखी है ये पता चल गई तो अब आपका फॉर्मूला हो जाएगा। देखिएगा तो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां पर ऊर्जा का फॉर्मूला लगाएंगे हम, U बराबर स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R, यह है आपकी स्थितिज ऊर्जा। हम यहां पर यदि इसका वेग पूछता, यदि ये नाभिक है और नाभिक से टकराने के बाद इस तरीके से चला गया, तो इसका वेग पूछता तो हम लगाते K बराबर 1/2 mv2, राइट, लेकिन हम यहाँ पे दूरी पूछी है यानी r पूछी है, तो हमने ये लगा दिया इसकी स्थितिज ऊर्जा का, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा ये दोनों बराबर होती हैं, तो ये चीज ठीक है। ये अब यहाँ पे सारी वैल्यूज रख दीजिए, इसका मान कितना है 10 की पावर -12 है ये दे रखा है, इसकी वैल्यू आपकी होती है कितनी 9 × 10⁻ होती है गुणा, अब देखिएगा ये जो वैल्यूज हैं, तो मैं थोड़ा सा इधर की साइड से लिख रहा हूँ, तो ये देखिएगा इसका वैल्यू है यहाँ पर से इधर से लिखना प्रारंभ करूँगा यहाँ से 10 की पावर -12 बराबर ये हो जाएगा 9 × 10⁻ गुणा Q1 की वैल्यू है 79 गुणा 1.6 गुणा 10⁻¹⁹ गुणा इसकी वैल्यू है 2.1 × 10⁻¹⁹ ये, और R आपसे निकलवा रहा है, राइट, ये समझ में आ गया, R आपसे पूछा ये R, ये Q1 की वैल्यू ये रही और Q2 की वैल्यू ये रही। हम क्या करेंगे यहां से, देखिए यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस R को इधर ले जाएंगे और इसको नीचे ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा R बराबर ये 9, देखो पहले तो ये चीज और ये और ये और ये, इन सबको एक साथ लिख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 9 × 79 गुणा, ठीक है 9 × 79 ये 1.6 गुणा, चलो इसकी मल्टीप्लाई कर दो 16 × 32 3.2 हो जाएगा गुणा, ठीक है अब देखिएगा ध्यान से, और ये 19 × 38 हो जाएगा, ये 9 है प्लस के, ये 9 गुणा 19 माइनस के, और ये माइनस के 19 कितना हो जाएगा माइनस के 38 हो जाएगा, बट्टे नीचे के कितना आ जाएगा 10 की पावर -12 क्योंकि आर इधर चला गया और 10 की पावर -12 नीचे आ जाएगा, ओके अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई देखिएगा, इसके 16 × 144 यानी कि 144 14.4 गुणा 79 गुणा 3.2 गुणा इसमें ये चले जाएंगे यहाँ पर कितना 9 था ये प्लस के 9 ये कितना बचेगा 10 की पावर -29 बचेंगे गुणा 38 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेंगे माइनस के 29 बचेंगे और ये 12 ऊपर जाएगा तो ये प्लस के 12 हो जाएगा R बराबर अब इनकी जब मल्टीप्लाई कर लोगे इन सभी की मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 36 40.3 इतना इतने दो आ जाएगा 3 2 गुणा 10 की पावर इन तीनों की मल्टीप्लाई तो कर लोगे आप ये आ जाएगा इन दोनों की 12 में 19 में से 29 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 17 बचेंगे R बराबर 1 2 3 अंक आगे ले आएंगे पॉइंट तो 3 घात में प्लस की आ जाएंगी तो इसको कर दें खत्म कर देंगे तो इतना ले ले रहे हैं हम और ये माइनस के 14
इतने बचे, इतने मीटर, ये आ जाएगा आपका आंसर, कितना आ गया, इतने मीटर, राइट। तो इस तरीके से ये उत्तर हो गया आपका, मतलब कुछ भी नहीं है, बस आर को इधर ले जाना है, बाकी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बहुत प्यारा है, इसको कर लीजिएगा, राइट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। बारहवां सवाल देखिएगा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल, तो इसमें क्या चीज दे रखी है, प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल, यानी कि ए बराबर दे रखा है आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, पहले तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। एक सेंटीमीटर जो बराबर होता है 10^-2 मीटर करते हैं, लेकिन जब सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तो हम उसको बदलने के लिए 10^-4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर हो जाता है, राइट। तो इसीलिए इस सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलेंगे तो क्या कर देंगे, 100 × 10^-4 मीटर स्क्वायर। 100 का मतलब होता है 10^2 प्लस का 2, भाई 100 को आप कितना लिखते हो, 10^2 लिखते हो, तो मतलब क्या, 100 से 2 जीरो हैं तो 2 घाते हैं इसकी खत्म हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, 10^-2 मीटर स्क्वायर। तो ए बराबर तो इतना दे रखा है। दूसरी बात, इसमें प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, यानी प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना दे रखा है, इसमें 100 न्यूटन प्रति कूलाम दे रखा है, 100 न्यूटन प्रति कूलाम दे रखा है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश ज्ञात करना है, यानी कि आवेश की मात्रा आपसे पूछी है। तो ये बहुत ही प्यारा सवाल है और इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिएगा, आपसे आवेश आपसे पूछा है, तो भाई आवेश के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की जो वैद्युत क्षेत्र, यानी प्लेटों के बीच की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उसका फॉर्मूला रहता है, सूत्र हम ये लगाएंगे कि भाई ई बराबर क्यू बट्टे ए एप्सिलॉन जीरो, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच, या समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, क्यू बट्टे ए एप्सिलॉन जीरो होती है। हमको क्या चाहिए, हमको तो आवेश चाहिए, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बराबर हो जाएगा ई इंटू ए एप्सिलॉन जीरो, भाई एप्सिलॉन जीरो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। चलिए, तो क्यू बराबर E का मान कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, A का मान कितना दे रखा है, 10^-2 दे रखा है, गुणा इसका मान कितना दे रखा है, 8.85 गुणा 10^-12 दे रखा है। इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिएगा ये 100 का मतलब कितना होता है, अभी अभी बताया था 100 का मतलब 10^2, तो 10^2 और ये 10^-2 है, तो मतलब ये 2 जीरो इसको खत्म कर देंगे, ये खत्म, तो यहाँ पर कितना बचेगा, केवल इतना बचेगा 8.85 गुणा 10^-12 है, इतने कूलाम आवेश आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, राइट। तो कुछ बच्चे इसको ये ना सोचें कि देखिएगा 100 का मतलब होता है 10^2, तो ये 10^2 गुणा 10^-2, तो इसको मतलब जीरो मत करना, इसका मतलब होता है 10^2 है, ये नीचे जाएगा तो ये 10^2 हो जाएगा, भाई नीचे जाकर प्लस का हो जाएगा, अब इससे ये कट गया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाता है, इसीलिए 2 जीरो से 2 घाते खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, राइट। तो इसलिए इसको घबराना नहीं है, ओके। चलिए, ये हो गया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 13वें सवाल पर चलते हैं, 13वां सवाल तो चित्र टाइप का दे रखा है, तो उसको देखते हैं अब हम, देखिए। चलिए,
ये 13वां सवाल है, देखिएगा ये चित्र बना हुआ है और इस चित्र में सीधे सीधे दे रखा है ये C1 100 पिकोफेरड, C2 200 पिकोफेरड और C3 200 पिकोफेरड और C4 200 पिकोफेरड और यहाँ पर 200 वोल्ट का एक विद्युत वाहक सेल लगा हुआ है, तो इसका संयोजन की कुल धारिता चाहिए यानी तुल्य धारिता। दूसरी C1 पर आवेश की मात्रा चाहिए यानी पहले संधारित्र यानी इस वाले संधारित्र पर आवेश की मात्रा और इस संयोजन की कुल ऊर्जा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है कि भाई ये दोनों देखिए, इसको थोड़ा सा हम क्या करें, इस तार को खींचकर ऐसा कर दें, यदि मैं इसको ए पॉइंट मानूं, इसको ए मानूं और इसको बी मानूं और इस चित्र को थोड़ा सा खींचूं तो इस तरीके का दिखाई देगा। ये आपका यहाँ पर बी बिंदु बना दे रहा हूँ, ये तार कुछ इस तरीके का आ जाएगा और ये इस तरीके का दिखाई देगा। ये चित्र कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, यहाँ पर ए और ये है आपका बी, राइट। तो ये चित्र कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब इसमें आपका देखना जरा, यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है आपका C4 और यहाँ पर ये आपका ये C2 और ये C3 है और यहाँ पर क्या है C1 है, तो हमें इनकी तुल्य धारिता चाहिए। अब ये वाला चित्र हमने क्या किया, इस तार को पकड़ के ऐसा खींच दिया, इस तार को ऐसा कर दिया, चित्र कुछ इस तरीके का नजर पड़ेगा। सोच लो इसको ऐसा खींच दो, लंबा कर देंगे तो ये इधर चला जाएगा। ये हमें ए और बी के बीच की तुल्य धारिता निकालनी है, तो आपको क्या दिखाई देगा कि भाई ये दोनों यहाँ पर कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर लिख देंगे कि C2 थोड़ा ऊपर से लिखेंगे, C2 व C3 श्रेणी क्रम में हैं। ये श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या रहता है कि भाई इनकी जो डायरेक्ट दो होते हैं तो उनकी धारिता कैसे निकलती है, C1 ये दोनों C2 और C3 हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे C2 C3 बटे C2 प्लस C3, ये डायरेक्टली निकल जाएगी इसकी धारिता, इन दोनों की तुल्य धारिता इन दोनों की निकाल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम के लिए डायरेक्टली ये वाला होता है 1/C = 1/C2 + 1/C3। जब हम इसको सी करेंगे, एलसीएम ले लेंगे C2 C3, तो C3 यहाँ पर आ जाएगा, C2 यहाँ पर आ जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे C = C2 C3 / C3 C2 इस तरीके से आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर C3 + C2 इस तरीके से। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है C2 + C3। तो ये जो दोनों का, ये दो संधारित्र दे रखे हों और उनका हमें श्रेणी क्रम निकालना हो संधारित्रों का, तो ऊपर दोनों का गुणा लेते हैं और नीचे दोनों का योगफल लेते हैं, जल्दी निकल जाता है। तो देखिएगा इन दोनों का निकालेंगे तो ये कितना दे रखा है, C2 यानी 200 200 दे रखा है, तो 200 × 200 नीचे आ जाएगा 200 + 200, तो C = कितना आ जाएगा 200 × 200 / नीचे कितना आ जाएगा 400, राइट। अब देखिएगा आपको दिखाई देगा 10 10 10 10 ऊपर आ जाएगा 2 × 2 = 4, 400 / 4 आ जाएगा, तो C = आ जाएगा 100 पिको फेरड, राइट। देख लीजिए ध्यान से, हमने क्या किया C2 C3, भाई हमको पता चल रहा है कि ये दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में हैं। जब ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है, जब दो संधारित्र होते हैं और उनका श्रेणी क्रम का फॉर्मूला ये होता है कि उनकी दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनकी तुल्य धारिता कैसे निकलती है कि दोनों का गुणनफल ऊपर लेते हैं और दोनों का योगफल नीचे लेते हैं। भाई C2 और C3 ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, क्योंकि देखिएगा दोनों एक दूसरे के साइड में जुड़े हुए हैं। जब ये श्रेणी क्रम में हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा ऊपर ले ली, 200 × 200, नीचे आ जाएगा 200 + 200, 200 × 200 = 400 होगा, 2 0 दो जीरो कट गई, दो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 400 / 4 और 4 × 4 यानी 100 पिको फेरड आ गया। अब इन दोनों का जो आया है यहां पर, इन दोनों का अब ये बन गया, ये चित्र कुछ इस तरीके का बन गया कि यहां पर अब C2 और C3 नहीं रहे, यहां पर ये C बन गया और C की जो धारिता है वो 100 पिको फेरड हो गई। अब ये दोनों कैसे हो गए, समांतर क्रम में हो गए, तो अब लिखेंगे यहां पर अब C व C1 कैसे हैं, समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं। जब समांतर क्रम में है तो इनकी धारिता कैसे निकलेगी, C' मान लेंगे C + C1, इनको समांतर क्रम होता है तो उनको तो डायरेक्टली जोड़ देते हैं, तो ये C का मान कितना है 100 पिको फेरड है और C1 का जो मान है वो कितना, वो भी 100 है, तो इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 200 पिको फेरड आ गया। तो इन अब इनकी जो धारिता निकल आई, यानी कि अब ये चित्र ऐसा हो गया कि इन दोनों का जो टोटल निकल कर आ गया वो 200 पिको फेरड आ गई और इसको बोला C'
राइट। अब ये 200 निकल आई, अब क्या हो जाएगा, सी सी डैश और सी फोर ये फिर से श्रेणी क्रम बन गए, तो अब लिखेंगे अब सी फोर व सी डैश श्रेणी क्रम में हो गए या श्रेणी क्रम में है। अब ये सी फोर यानी कि सी फोर और सी डैश ये फिर से श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो आपको क्या करना है, इसका भाई जब ये श्रेणी क्रम में है तो इसका फॉर्मूला क्या था, सी डबल डैश निकालेंगे, दोनों का गुणनफल ऊपर और दोनों का योगफल नीचे, दोनों का ये कितना है 200 आई है और ये भी 200, ये सी फोर का मान भी कितना है 200 है, तो लिख देंगे 200 × 200 / 200 + 200। तो देखना जरा 200 × 200 और 200 + 200 तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 100 pF आई थी, तो डायरेक्टली कर सकते हैं हम, और ना है तो आप लिख दीजिए 200 × 200 / 400, तो इसका आ जाएगा 100 pF। तो यानी सी डबल डैश का मान अब इस टोटल की जो धारिता है यानी कि इस टोटल संयोजन की जो धारिता है वो कितनी निकल कर आ गई, इस टोटल की निकल कर आ गई 100 pF। कितनी आई है 100 pF। तो भाई पहला आंसर तो हो गया कि आपकी इसकी तुल्य धारिता निकल कर आ गई कितनी 100 pF। जल्दी से पहले का इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे निकालते हैं हम, ठीक है जल्दी से कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा फिर इसके आगे करेंगे हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब आपसे पूछा है कि C1 पर आवेश, तो भाई इससे आप लिख देंगे दूसरे में क्या पूछा है, C1 पर क्या पूछा है, C1 पर आवेश, तो नॉर्मली जो आवेश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q बराबर होता है CV, लेकिन यहां पर C1 पर आवेश चाहिए तो यहां पर लिखेंगे C1V, ठीक है क्योंकि पहले संधारित्र पर आवेश चाहिए, तो ये हो जाएगा C1V फॉर्मूला। C1 का मान कितना है 100 pF है, 100 pF का मतलब 10^-12 है, ठीक है भाई 100 pF का मतलब क्या है 10^-12 लगा देंगे, ठीक है ये चीज, इंटू वी, वी का मान कितना है 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट आ जाएगा, 200 की गुणा इसमें करेंगे, देखो 2 0 और 2 0 चार जीरो हैं, तो ये चार घात इसको खत्म कर देंगे, तो 2 × 10^-8 बचेगा, क्यू बराबर इतने कूलाम। समझ में आई बात, नहीं आई भाई, दो घाते हैं प्लस की, दो घाते इसको कर देंगे माइनस के 10 बचेंगे, इसके पीछे भी तो दो लग रही है, दो घाते हैं 2 0 प्लस की, तो ये ठीक है ये चीज, तो इसका मतलब ये आ गया, नहीं समझ में आ रहा है 100 × 10^-2 − 12 × ये है 200 की गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाए, पहले इसको लिख दो 10^2 × 10^-12 × इसको लिख देंगे 2 × 100 को लिख देंगे, ये दो घाते खत्म हो जाएंगे, माइनस के 10 बचेंगे, ये बचेगा 2 × 10^2, दो घाते फिर इसको खत्म कर देंगे 2 × 10^-8 बचेगा। समझ में आई बात, और ये माइनस के 12 कहाँ से आ गई, क्योंकि C1 का जो मान है वो 100 pF है, जब पिको फेरड है तो हम इसको फेरड में चेंज करेंगे तो 10^-12 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका 100 नहीं लेना है क्योंकि पिको फेरड यहां पर लिख दोगे, चूंकि C1 = 100 pF तो मतलब C1 = कितना हो जाएगा 100 × 10^-12 इतने फेरड, तो ये वाला यूज किया जाएगा राइट। चलिए तो पहला हो गया, चलिए अब हमें क्या करना है, तीसरा निकालना है, तीसरा क्या है, संयोजन की कुल ऊर्जा निकालनी है, तो ऊर्जा ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/2 CV², तो U बराबर 1/2 सी, इस टोटल की जो धारिता कितनी निकली थी, जो अभी निकाली थी टोटल की धारिता निकली थी सी डबल डैश 100 pF, टोटल इस पूरे परिपथ की जो धारिता तुल्य धारिता कितनी निकली थी 100 pF आई थी, 100 pF का मतलब कितना हो जाएगा 100 × 10^-12 F, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 100 × 10^-12 F। वी का मान कितना है 200 है, तो इसका लिख देंगे 200 स्क्वेयर, तो ये चीज आ जाएगी ठीक है। चलिएगा यू बराबर ठीक, तो 1/2 × 10^-10 बचेंगे गुणा 200 × 200 ये चीज आ जाएगी, ये कट जाएगा 100 बार,
तो ये U बराबर, ठीक है, 10 की पावर माइनस 10 गुणा 100 गुणा 200, तो U बराबर कितना आ जाएगा देखिएगा, वही चीज़ 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो 4 जीरो 4 घात खत्म हो जाएंगे, तो कितना बचेगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 इतने जूल, ये इसका उत्तर आ गया 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 जूल। समझ में आ गई होगी, देखिएगा इस ये 2 जीरो हैं यहाँ पर, एक सेकंड, ये फोन आ रहा है, एक सेकंड, हेलो, अब आ जाते हैं अपने 14वें सवाल पर। 14वां सवाल ये भी चित्र वाला है, ये चित्र दे रखा है और इसमें तुल्य धारिता पूछी है और 10 माइक्रोफेरेट संधारित्र पर ऊर्जा, यानी 10 माइक्रोफेरेट संधारित्र पर संचित ऊर्जा, यानी इस वाले संधारित्र में तो ऊर्जा पूछी है और पूरे की तुल्य धारिता पूछी है। वही चीज नाम दे दीजिए इसको, कहीं से भी नाम दे दीजिए, इसको दे रहा हूँ C1, इसको दे रहा हूँ C2 और इसको दे रहा हूँ मैं C3। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि C1 और C2 कैसे श्रेणी क्रम में है, तो वही काम करेंगे यहां पर से लिख देंगे C1 व C2 श्रेणी क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में हैं, तो भैया इनकी जो तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, वही चीज दोनों का गुणनफल ऊपर C1 इंटू C2 बट्टे नीचे आ जाएगा C1 प्लस C2। तो टोटल यदि मैं बात करूं तो C1 ये कितने 6, तो 6 गुणा 12 बट्टे 6 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 गुणा 12 बट्टे नीचे हो जाएगा 12 और 6 18 है, राइट, देखिएगा 6 गुणा 12 और 6 प्लस 12, 6 और 12 कितना हो गया 18 है। अब इसको काट देंगे हम कितने बार, 6 एकम 6 और 6 तीय 18, राइट, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 बट्टे 3 और 3 से 12 कट जाएगा 4 बार, तो 4 माइक्रोफेरड ये सी निकल आया। क्या अभी पूरा अभी खुश होने की जरूरत नहीं, अभी इतने की निकली है, ठीक है, अब ये दोनों मिलकर C हो गया और इसके साथ में C3 के साथ में कैसा हो जाएगा, समांतर क्रम में, तो लिख देंगे अब C3 समांतर क्रम में है, अतः इनकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, इसको सी डैश मान ले रहा हूं, सी प्लस सी थ्री, मतलब समांतर क्रम होने पर तो डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, तो ये कितना 4 है प्लस और ये कितनी है 10 है, तो टोटल मिला कितना हो जाएगा 14 है और माइक्रोफेरड लगा देंगे तो ये चीज आ गई 14 माइक्रोफेरड। तो पहले का तो उत्तर हो गया, अब दूसरा क्या कह रहा है, 10 माइक्रोफेरड पर ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा तो देखिएगा, और जबकि इसमें देखिएगा दूसरे के लिए आपको क्या दे रखा है, एक तो V दे रखा है कितना 30 वोल्ट दे रखा है और इसमें C यानी कि धारिता कितनी दे रखी है 10 माइक्रोफेरड, 10 माइक्रोफेरड का मतलब क्या 10 गुणा 10 की पावर माइनस 6 फेरड हो जाएगा, मतलब 10 की पावर माइनस 5 फेरड सी बराबर, और आपसे यू पूछा है यू, तो भाई यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है, यू बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 CV², तो 1/2 गुणा सी का मान कितना 10 की पावर माइनस 5 गुणा वी स्क्वेयर, वी का मान है 30, तो इसको लिख देंगे 30 गुणा 30, स्क्वेयर का मतलब कितना हो जाएगा 30 गुणा 30, ये चीज हो गई। अब ये इसको काट देंगे हम 2 से, इसको काट देंगे 15 बार, तो कितना आ जाएगा 15 गुणा 30 गुणा 10 की पावर माइनस 5, 15 3 45 और 10^-5, तो यहाँ से 1-2 अंक आगे ले जाएंगे तो 4.5 × 10^1, 2 घात खत्म हो जाएगी तो माइनस के 3 बचेंगी, यू बराबर इतने जूल इसका आंसर आ जाएगा, राइट, दिखाई दे रहा होगा और नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कितना 4.5 × 10^-3 जूल ये आ जाएगा, राइट, तो ये 10 माइक्रोफेरेड के संधारित्र पर ऊर्जा इतनी हो जाएगी और इसकी टोटल धारिता कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, राइट, तो ये हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कितना है, ये है आपका, ये हो गया, अब 11वें सवाल पर आते हैं, 15वें सवाल को करेंगे, राइट, चलिए जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
पंद्रहवा सवाल देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक 200 वोल्ट 10 वाट का बल्ब 110 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है, बल्ब की व्यय शक्ति पूछी है। चलिए देखिए पंद्रहवा सवाल क्या कह रहा है कि एक 200 वोल्ट तथा 100 वाट का बल्ब 110 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है, ओके, और इस बल्ब द्वारा शक्ति ज्ञात करनी है यानी कि वह शक्ति। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको एक बल्ब दे रखा है यहां पर इस तरीके से, ये बल्ब है और इस बल्ब को कितने वोल्ट के एक इस तरीके से एक वोल्ट से यहां पर है 110 वोल्ट, ये इतने वोल्ट से जुड़ा हुआ है राइट, ये बल्ब। अब इस बल्ब पर लिखा हुआ है, बल्ब पर क्या लिखा हुआ है कि P बराबर लिखा हुआ है 100 वाट और V बराबर लिखा हुआ है 200 वोल्ट, ये इस बल्ब पर लिखा हुआ है भाई। तो इस बल्ब की शक्ति निकालनी है राइट, तो कोई बात नहीं है। देखिए सबसे पहले नॉर्मली शक्ति का जो फॉर्मूला होता है, शक्ति का पी बराबर होता है फॉर्मूला वी स्क्वायर बट्टे आर। अब वी का मान तो दे रखा है यहां पर कि भाई 110 वोल्ट से जोड़ने पर इस बल्ब को, तो इसकी शक्ति पूछे, लेकिन आर नहीं दे रखा। तो आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पी वी का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से आर निकालेंगे। तो आर निकालने के लिए भाई हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पी बराबर वी स्क्वेयर बट्टे आर। तो यहां से आर का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वेयर बट्टे पी। चलिए वी का मान कितना है, ये वाले इन दोनों का यूज करेंगे पहले, 200 गुणा 200। पी का मान कितना है, 100 है राइट। तो यहां से आप देखोगे 10 10 10 10 दो दूनी चार, तो कितना आ जाएगा 400। आर बराबर आ गया 400 ओम। तो R का मान यहां पर 400 ओम आ गया। अब इस 400 ओम यानी कि इस प्रतिरोध का मान कितना है, 400 ओम, और इसे इतने वोल्ट के यानी इतने वोल्टेज से उसको जोड़ा जा रहा है, तो इसकी शक्ति कितनी होगी, इसे यही फॉर्मूला लगा देंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर V का मान कितना, 110 गुणा 110। ठीक है, यहां पर लिख देंगे इसको स्रोत से जोड़ने पर, और ये क्या है, बल्ब के लिए। जब बल्ब के लिए लगाएंगे तो बल्ब की सारी चीजें लेंगे, अब स्रोत से जोड़ेंगे तो स्रोत वाली चीज लेंगे। स्रोत का वोल्टेज कितना है, 100। आर का मान कितना निकला था, 4, क्योंकि इस वोल्टेज को ही तो जोड़ रहे हैं भाई, इसका कितना प्रतिरोध है इस बल्ब का, वो चीज निकाल दिया। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, किसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये देखिएगा ये 10 से 10 और 10 से 10, तो P बराबर आ जाएगा 11 में 11 121 बट्टे 4। तो P बराबर 4 का हम इसमें भाग करेंगे तो 4 3 12, और ये तो थोड़ा सा गड़बड़ कर गया, कितना आएगा एक सेकेंड, हाँ वी स्क्वेयर, चलिए ओके, तो इतना ये सही है। एक्चुअली में क्या है कि इसका जब सॉल्यूशन किया था तो हमने वहाँ पर 220 वोल्ट लिख दिया था, इसलिए मेरे को आंसर कुछ अलग था, अटपटा सा याद था। दो दूनी चार, 400 आ जाएगा, ये 400 आ गए हम। चलिए तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग तो ये इतना ही इतने वाट आ जाएगा। इसका फॉर्मूला करेंगे 4 3 12 ना जाने की 0, फिर पॉइंट लगाएंगे 4 2 8, इस तरीके से आ जाएगा राइट। तो P बराबर इतने वाट लिख दोगे, लेकिन यदि यहां पर आप 220 वोल्ट लोगे तो इसका मान जो आएगा 25 वाट आएगा। 25 वाट क्यों आएगा, जो किताब में दे रखा है वो 25 वाट दे रखा है, क्यों, क्योंकि यहां पर कितना लिया है, 220 वोल्ट लिया है। जब 220 लेंगे यहां पर तो 22 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 10। यदि मैं यहां पर देखिएगा, इसको कर लीजिए पहले भाई, हमारा यदि 200 लेंगे तो उत्तर इतना आएगा राइट,
और यदि मैं यहाँ पर कितना ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं 220 वोल्ट ले रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर करोगे 220 × 220 / पी का मान कितना है, पी का मान है 100, 100 से 100 तो 22 × 22 में करेंगे तो 484 ओम आ जाएगा पी आर बराबर। और यहाँ पर जब 484 लिखोगे तो ये आप 11 से ये फिर 110 × 110 / 484। यदि यहाँ पर 22 लोगे, 220 वोल्ट लोगे, तो ये 484 ओम आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितने बार कट जाएगा, ये 11 × 11 = 0 और ये कितने कट जाएगा, 11 × 44 और ये 11 × 11 = 0 और 11 × 44 तो पी बराबर आ जाएगा 100/4 और 4 से कट जाएगा 25 बार, तो 25 वाट दोनों करके दिखा दिए मैंने। 220 वोल्ट आएगा तो 25 वाट आएगा, यदि यहाँ पे 200 वोल्ट होगा तो कितना आएगा, वो 30 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, राइट। तो ये चीज़ है, जल्दी से कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आप अब आते हैं 16वें सवाल पर। 16वां सवाल क्या कह रहा है, समान लंबाई के तांबे के दो तारों का व्यास का अनुपात। तो व्यास, व्यास का अनुपात आपको दे रखा है d1/d2 = 1/2। तो भाई जब व्यास का अनुपात दे रखा है तो त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा, त्रिज्या का अनुपात, व्यास का जो अनुपात रहता है त्रिज्या का भी वही अनुपात रहता है, त्रिज्या का अनुपात बदलता नहीं है, ओके राइट। लेकिन व्यास आधा रहता है, कभी ऐसे ना मत करना त्रिज्या का अनुपात, अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि व्यास पर फर्क पड़ेगा, ठीक है, व्यास और त्रिज्या का अनुपात चेंज नहीं होता है, राइट। चलिएगा, चलिए तो ये इसकी त्रिज्या का अनुपात दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका प्रतिरोध का अनुपात पूछा है, तो R1/R2 आपसे पूछा है, तो प्रतिरोध का अनुपात सिंपल तरीके से निकाल दोगे भाई कि R1/R2 यदि निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला होता है R2² / R1² मतलब ये होता है फॉर्मूला। नॉर्मली हमको R1/R2 दे रखा है, इसीलिए हम क्या कर देंगे, इसको R2/R1² कर देंगे। R1/R2 का मान कितना दे रहा, R1/R2 दे रखा है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2/1² हो जाएगा, यानी कि 4/1, तो कितना आ जाएगा, 4:1 आपका उत्तर आ जाएगा, ओके। चलिए तो ये हो गया आपका ये वाला सवाल, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा 17वां सवाल, देखिए 17वां सवाल क्या कह रहा है, एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, यानी कि R बराबर कितना दे रखा है, 8 ओम, ओके। इसे 3 गुना खींचा जा रहा है, N बराबर कितना, 3 गुना खींचने पर नया प्रतिरोध, नया प्रतिरोध, नया प्रतिरोध तो भैया डायरेक्टली फॉर्मूला है, नया प्रतिरोध R' बराबर लिखते हैं n² × r, n का मतलब 3 का स्क्वायर × r का मतलब कितना है, 8, 3 × 9 = 8 = 72 कितना हो जाएगा, 72 ओम। मतलब सिंपल सी बात है, 8 ओम का प्रतिरोध है उस तार को, यानी एक तार है जिसका प्रतिरोध 8 ओम है, इसको n गुना 3 गुना लंबाई तक खींच दिया जाता है। तो भैया जितने गुना हम उसको खींचते हैं, 3 गुना खींच रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, n² × r, n का मतलब 3 का स्क्वायर × r का मान 8, 3 × 9 = 72 ओम आ गया, राइट। ये 17वां हो गया। अब 18वें सवाल को करते हैं, 18वां सवाल देखेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। चलिए तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर 18वें सवाल पर चलते हैं।
अठारहवां सवाल, अठारहवां सवाल क्या कह रहा है? अठारहवां सवाल है आपका, किसी सेल से 0.6 एम्पियर की धारा लेने पर उसकी वोल्टता 1.6 वोल्ट हो जाती है और 0.8 एम्पियर की धारा लेने पर उसकी वोल्टता 1.3 हो जाती है। तो सेल का विद्युत वाहक बल तथा प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो वही चीज है, पहली कंडीशन, तो इसमें डायरेक्टली लिख दो, पहला फॉर्मूला लगाएंगे हम ई बराबर वी प्लस आई आर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्रथम शर्त क्या कह रही है कि भाई ई बराबर कितना है इसमें कि 0.6 एम्पियर की धारा लेने पर 1.6 वोल्ट हो जाता है। तो कितने 1.6 वोल्ट हो जा रहा है, कितने पर 1.6 वोल्ट हो जाती है वोल्टेज, कितने एम्पियर की धारा लेने पर 0.6 एम्पियर की धारा लेने पर, पहली समीकरण बन गई। फिर लिखते हैं हम इसका दूसरी शर्त, दूसरी शर्त क्या कह रही है, ई बराबर 0.8 एम्पियर की धारा लेने पर 1.3 वोल्ट हो जा रहा है, यानी कि 1.3 वोल्ट कब हो रहा है, जब 0.8 एम्पियर की हम धारा ले रहे हैं। ये दो हो गया, राइट। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक व समीकरण दो से, समीकरण एक व समीकरण दो को हल करेंगे और ई और आर का मान निकाल देंगे। देखिएगा नॉर्मल तरीके से कैसे करेंगे हम, कि ये वाली चीज, ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.3 प्लस 0.8 आर बराबर 1.6 प्लस 0.6 आर, ये इधर आएगा 0.8 आर माइनस 0.6 आर बराबर 1.6 माइनस 1.3। तो ये कितना हो जाएगा, 0.8 में से 0.6 जाएंगे तो 0.2 आर बराबर 1.6 में से जाएंगे तो 0.3। R बराबर कितना आ जाएगा, 0.3 बट्टे 0.2, R बराबर आ जाएगा 3 बट्टे 2, पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, 0.8 में से 0.6 जाएंगे तो 0.2 R बचेंगे, 1.6 में से 1.3 जाएंगे तो 0.3 बचेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट गया 3 बट्टे 2 और 3 बट्टे 2 का मतलब 1.5, तो R का मान कितना आ गया, 1.5 ओम आ गया। R का मान समीकरण एक में रख दो, समीकरण एक में रखने पर आर का मान समीकरण एक में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर 1.6 प्लस 0.6 इंटू स्मॉल आर का मान है 1.5, तो ई बराबर 1.6 प्लस 15 छक्के 90, तो 90 हो जाएंगे, दो अंक बाद पॉइंट लगा, इतना हो जाएगा ई, जब इसको हम जोड़ेंगे 1.60.90 पाँच 2.5 आ जाएगा, 2.5 वोल्ट, इतने वोल्ट ई का मान आ गया, राइट। ई का मान आ गया, देखो यहाँ पे 0.6 इंटू आर है ना, इसमें रख दिया, इस वाले में रखेंगे तो भी उतना ही आएगा, आप कर लेना इसको सॉल्व, ठीक है। तो ये आपका खत्म हो चुका, ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है, एकदम सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब थोड़ा सा समय ज़्यादा हो रहा है, और ऐसा आएगा मैं इनको तेज क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने पहले करा दिए हैं, ये इतनी तेज तेज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने पहले करा दिए हैं, जिन्होंने ये पुराना नहीं देखा, एक सीरीज चल रही थी उसमें ये सारे सवाल कराए थे मैंने लाइव में, इसलिए थोड़ा तेज तेज करा रहा हूँ, राइट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अपना लेते हैं हम 19वां सवाल, क्या कह रहा है 19वां सवाल, क्या कह रहा है देखते हैं।
कि एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर आर बराबर यानी 5.0 × 10⁻¹ⁱ मीटर प्रति मीटर त्रिज्या की कक्षा में इतनी चाल से v बराबर कितना 2.2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर लगाता है, तो इसमें धारा का मान आपसे पूछा है। धारा का मान तो नॉर्मली आपसे देखिएगा, हम ये चीज तो जानते हैं कि धारा बराबर होता क्या है, कि भाई एक हमारे पास में इस तरीके से कोई आर त्रिज्या का पथ है जिस पर एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहा है वी वेग से, राइट। तो भाई अब हम इतनी चीज तो जानते हैं कि आई बराबर नॉर्मली होता क्या है, आई बराबर होता है क्यू बटे टी। टी क्या है? एक चक्र में लगाया गया समय, और समय समय बराबर क्या होता है? समय जैसे कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, तो इस क्यू बटे समय की जगह पा जाएगा दूरी। दूरी कितनी हो जाएगी? समय टी बराबर दूरी का मान हो जाएगा आपका 2πr, क्योंकि इस वृत्त की परिधि। और चाल कितनी हो जाएगी देखना जरा, ये वृत्त पर घूम रहा है तो चाल इसकी v है, तो t का मान कितना आ जाएगा 2πr/v। v ऊपर चला जाएगा तो क्यू वी बट्टे 2πr, ये i का मान आ जाएगा। तो i का मान डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, क्यू वी बट्टे 2πr i बराबर। अब देखिएगा q का मान कितना 1.6 × 10⁻¹⁹। ये q कहां से पता चला? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का है और इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है। v का मान कितना दे रखा है? 2.2 × 10⁶ / 2। और इस पाई का मान लिखिए 22/7 × r। r का मान कितना है? r का मान है 5 × 10⁻¹ⁱ है। ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई? 7 तो ऊपर चला जाएगा तो i बराबर कितना आ जाएगा? 7 × और ये है 1.6 × 2.2 × 19 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 13 है, और ये नीचे बचा 2 × 22 × 5 × 10⁻¹ⁱ इतना बचा। अब देखिएगा ये पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, ये जीरो बढ़ गया तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आई बराबर 7 × 1.6 × ये 22 × 10⁻¹⁩ बट्टे नीचे हो जाएगा 2 × 220 × 5 × 10⁻¹ⁱ इतना आ जाएगा। अब देखिएगा 22 × 22 और 22 × 22 ये कट गया इतने बार, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? और आई बराबर 16 × 7 = 112 है, 112 एक अंक बाद पॉइंट इतना गुणा 10⁻¹³ है बट्टे नीचे 5 × 2 = 10, 10 × 10 × 10⁻¹ⁱ है। आई बराबर ये 1.12 × 10⁻¹⁵ कितना बचेगा? माइनस के दो, एक अंक आगे चला जाएगा तो माइनस के 12 बचेंगे, नीचे 2 घातें खत्म हो जाएंगे 10⁻¹⁹ बचेगा, एक और एक दो, दो जीरो हैं तो 2 घातें खत्म हो जाएगी, ये 9 ऊपर जाएगा 10⁻⁹ यानी कि 1.12 × 10⁻¹⁻ × 10⁻⁹ प्लस के, तो 1.12 × 10⁻¹⁹ जाएंगे तो माइनस के 3 इतना बचेगा आई, इतने एम्पियर की धारा आ जाएगी। ओके, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, इतने एम्पियर की धारा आ गई, आप जैसे चाहो वैसा सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा एक सवाल और बचता है आपका, ये एक सवाल और है, चलो इसको भी करा ही दे रहे हैं, वैसे तो ये लंबा हो जाएगा लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको भी हम करा ही देते हैं, ठीक है, चलिए, तो इसमें कोई छोड़ ही ना रहे आज।
तो देखिए भाई, अब आ जाते हैं अपने, यह है 20वां सवाल, यानी कि इस वीडियो का लास्ट सवाल है। और इसमें यह कह रहा है इस सर्किट में कि प्रत्येक सर्किट में तो धारा निकालनी है, यानी प्रत्येक शाखा में धारा, और जो 4 ओम है इसमें क्या निकालना है, इसमें वोल्टेज निकालना है कि 4 ओम के प्रतिरोध में तो वोल्टेज, यानी कि प्रत्येक शाखा में धारा पहली चीज, और दूसरे में 4 ओम में वोल्टेज, ये 2 सवाल निकालने हैं आपसे इसमें। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम पहले तो इसमें धारा प्रवाहित कर लेते हैं कि भाई ये हमने मान लिया E1 और ये मैं मान ले रहा हूं E2, इससे जो धारा निकलेगी वो I1 धारा यहां पर पहुंचेगी, ये यहां पर पहुंची और I1 धारा के लिए रास्ता इधर मिला, और ऐसे ही यहां से निकलेगी I2 धारा, क्योंकि ये सेल E2 है। देखिए भाई, इसे सेल हमने E1 माना है तो इससे धारा निकलेगी I1, और हमेशा पॉजिटिव सिरे से चलती है तो इधर की साइड में चलेगी, इधर ये पॉजिटिव जो बड़ा होता है वो पॉजिटिव होता है, ये हमने E2 सेल माना है तो इससे धारा निकली I2, ऐसे निकली। अब ये जो धारा है यहां पर पहुंची I1 और ये पहुंची I2 यहां पर, ये दोनों मिलकर क्या बनेगी, यहां पर I1 + I2 इस तरीके से चली जाएगी, ये यहां पर पहुंचेगी I1 + I2, तो भैया I1 यहां पर चली जाएगी और I2 फिर से लौट कर उधर चली जाएगी, राइट। और इस सर्किट का मैं नाम दे रहा हूं, इस सर्किट का नाम क्या दे रहा हूं, A, B, C और D, राइट। ये हो गया, ये सर्किट का नाम दे दिया, थोड़ा तेज कराऊंगा क्योंकि मैंने लाइव में करा दिया था, तो मैं पहले रहा हूं बंद पास यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, A, B, A, B, D, ए में KVL से, मतलब A, B, D में किरचॉफ वोल्टेज नियम लगाओ। किरचॉफ वोल्टेज नियम क्या कहता है कि ए से बी तक जाने में धारा और प्रतिरोध का गुणनफल उसमें लगे सेलों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो मतलब क्या है, यहां से धारा यहां से गए ए से बी की ओर, ए से बी की ओर हम जा रहे हैं और धारा भी हमें ए से बी की ओर मिल रही है, तो लेंगे I + I1 × कितना है 2 ओम का प्रतिरोध। अब बी से डी की तरफ हमें इसी तरीके से चल रहे हैं हम ऐसे, तो बी से डी की तरफ जा रहे हैं तो प्लस, इसमें धारा कौन सी है, I1 + I2 है, ये रही I1 + I2, कितने ओम का प्रतिरोध है, 4 ओम का प्रतिरोध है, घूम कर यहाँ पर आ गए, कितने वोल्टेज लग रहा है, 1 वोल्ट लगा हुआ है, 2 × 2 I1 + 4 I2 बराबर 1, तो 4 × 2 = 6 6 I1 + 4 I2 = 1, ये समीकरण 1 मान ली हमने, ठीक है। अब फिर से लगाओ बंद पास, अब कौन सा ले रहे हैं, यहां से लो C B D C में KVL से, इसमें लगाओ C B D C में KVL लगाने पर, तो KVL लगाएंगे तो इसमें भी वही चीज, ऐसे घूमेंगे हम इस तरीके से, C से B की तरफ जा रहे हैं तो धारा लग रही है I2, वो भी प्लस में, क्योंकि C से B की तरफ जा रहे हैं हम, धारा भी C से B की ओर बह रही है, I2 के साथ में कौन सा प्रतिरोध आ रहा है, 3 ओम का, राइट। अब हम ऐसे जा रहे हैं B से D की तरफ, C B D, ऊपर की ओर धारा कौन सी है, I1 + I2, प्लस क्यों लिए धारा, प्लस धारा इसलिए लिए क्योंकि हम इधर ही चल रहे हैं और धारा भी इधर जा रही है, इंटू कितने ओम का प्रतिरोध, 4 ओम का प्रतिरोध, ओके, इंटू बराबर, अब यहाँ पे और तो कोई प्रतिरोध नहीं लगा, 2 प्रतिरोध लग रहे हैं, कितने वोल्ट का सेल है, 2 वोल्ट का, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 I 3 I 2 + 4 I 1 + 4 I 2 = 2, 4 और 3 ये I 1 4 I 1 + 4 और 3 हो जाएगा 7 I 2 = 2, समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है, ये 6 I1 है, यहाँ पर 4 I1 है, तो हम इसको बराबर कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर लो, और इसमें सिंपल सी तरीका ये है कि 6 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 24 24 हो जाएगा, लेकिन ये बराबर 13 पर भी तो बराबर हो सकते हैं, 12 पर, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे ये 12 हो जाएगा, यहाँ पर 4 में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, तो सिंपल तरीके से यही काम कर लो, तो समीकरण 1 × 2 व समीकरण 2 × 3, देखिएगा समीकरण 1 कहाँ है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो, 6 × 2 = 12 I1 + 4 × 8 I2 = 2,
भाई दो की मल्टीप्लाई कर दी पूरे में, इसमें तीन की मल्टीप्लाई कर दो, तीन चौक 12 आई वन, तीन सत्ते 21 आई टू बराबर तीन दूनी 6, घटा दो ये घटाएंगे ये कट जाएगा, 8 में से 21 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 में से 21 जाएंगे तो माइनस के 13 है, माइनस के 13 है आई टू बराबर, ये 2 जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, आई टू बराबर आ गया 4/13 है, ये आ गया। आई टू का मान समीकरण एक में रख दो, यहाँ पर रख देंगे आई टू का मान समीकरण एक में रखने पर, भाई इस आई टू का मान समीकरण एक में रख देंगे तो क्या है, 6i1 + 4 × i2, आई टू का मान 4/13 बराबर 1, तो 6i1 + 4×16 16/13 बराबर 1, 6i1 = 1 − 16/13, 4×16/13 इधर को इधर ले जाएंगे तो 1 − 16/13 13 एलसीएम ले लेंगे, 13 − 16 13 में 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, −3/13 ठीक है। अब ये 6 नीचे चला जाएगा तो आई वन का मान कितना आ जाएगा, आई वन का बराबर −3/6×13 तीन से ये कट जाएगा 2 बार, तो आई वन बराबर −1/13 × 26 इतना आ गया राइट। तो ये आई वन निकल आया, आई टू निकल आया, देखिए भाई ए बी में जो धारा बह रही है वो आई वन निकल आया, और बी डी बी सी सी डी में जो धारा बह रही है वो आई टू, और ये और निकाल लो आई वन प्लस आई टू, तो आई वन प्लस आई टू बराबर क्या, आई वन प्लस आई टू यानी कि आई वन की जो वैल्यू है वो −1/26 प्लस आई टू की जो वैल्यू है वो 4/13, 26 हमने एलसीएम ले लिया तो −1 × 13 × 26 यानी 4 × 8 कितना आ जाएगा, 13 × 26 यानी 2×8 हो जाएगा तो 7/26 ये इसका मान आ गया। तो प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा तो लिख देंगे, यहाँ तक निकले आई, यहाँ के बाद में आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ मिटा के, ठीक है ये चीज़ आप यहाँ पर इसको मिटा दे रहा हूँ। हमसे क्या पूछी थी, प्रत्येक शाखा में धारा पूछी थी, तो लिख देंगे क्या ए बी में धारा आई वन का मान कितना है −1/26 एम्पियर, और सी बी में धारा आई टू का मान कितना है 4/13 एम्पियर, और बी डी में धारा आई वन प्लस आई टू कितना आया 7/26 एम्पियर, 7/26 इस तरीके से आ गई। अब हमें एक चीज और पूछी थी सवाल में, देखिए सवाल में एक चीज और पूछी है आपसे, क्या पूछी है सवाल में, सवाल में पूछा है कि भाई 4 ओम के वोल्टेज, मतलब 4 ओम में वोल्टेज, तो 4 ओम प्रतिरोध में वोल्टेज तो वी बराबर आई आर होता है, तो इसमें देखिए 4 ओम वाले में धारा कितनी बह रही है, आई वन प्लस आई टू इंटू ओम कितना है 4, तो आई वन प्लस आई टू का मान कितना है 7/26 × 4, तो 4 कट जाएगा 2 से 2 × 2 = 13, तो 7 × 14 = 13 इतने वोल्ट, समझ में आई बात नहीं आई, क्योंकि 4 वैसे नॉर्मली वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर, तो भाई 4 ओम में कितनी धारा बह रही है आई वन प्लस आई टू यानी 7/26 × ओम, ठीक है चलिए। थोड़ा सा आज में तबीयत थोड़ी सी मेरी ऐसी नर्वस सी चल रही थी, लेकिन वीडियो आपके लिए बनाना था इसलिए बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाई जल्दीबाजी में, यदि समझ में नहीं आया हो थोड़ा सा कोशिश करना, जो लाइव वाली है वीडियो उनको देख लेना समझ में आ जाएगा, और वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलेंगे कल फिर एक खूबसूरत सी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय।